नमस्कार, प्रस्तुत है रीजनिंग अर्थात मेंटल एबिलिटी का पार्ट फोर वीडियो। और इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सीरीज से संबंधित प्रश्नों को लिया है। इस तरह के प्रश्नों में एक संख्यात्मक श्रेणी, न्यूमेरिकल सीरीज अर्थात संख्यात्मक श्रेणी होती है, जिसमें एक प्रश्न चिन्ह होता है। हमें बताना होता है कि उस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या होगा। कभी कभी प्रश्न चिन्ह की जगह खाली स्थान भी दिया होता है, तो प्रश्न वही होता है कि हमें बताना होता है कि उस खाली स्थान पर क्या होगा। और इसके लिए हमें उस सीरीज के को समझना होता है कि वो सीरीज किस रूल पर चल रहा है ना। अगर उस रूल को हम पहचान लेते हैं तो हम आसानी से जो खाली स्थान है या प्रश्न चिन्ह है वहां पर क्या होगा हम बता सकते हैं। और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप जितना ज्यादा प्रश्नों को आप हल करेंगे अर्थात अभ्यास करेंगे, आपकी समझ उतनी ज्यादा बनेगी। आप तरह तरह के नियमों को पहचान पाएंगे। तो हो सकता है कि जब आप एग्जाम में हो तो उसमें जो प्रश्न पत्र में जो सीरीज हो, तो बहुत संभावना है कि आपने जो पहले प्रश्नों को हल किया था उन्हीं में से कोई प्रश्न या उसी रूल का कोई प्रश्न हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक, यह है 2, 3, 6, 15, 42 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे आसान वाला जो रूल होता है, जिसे सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए, वो होता है अंतर वाला, है ना, किस अंतर से चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या कुछ अंतर वाला रूल इसमें है। तो यहां आप देखिए 2 से 3 में ये अंतर 1 है। अब यहां 3 से 6 में अंतर 3 है और यहां है 9 और यहां है ये घटा के देख लीजिए 12 से 5 7, 3 से 1 2। तो अब इस अंतर के सीरीज को आप समझिए, 1, 3, 9, 27, यानी 1 गुना 3 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27। तो अबरी इस बार निश्चित रूप से 27 गुना 3 अर्थात 81 होगा। तो अब हम 81 को इसमें जोड़ते हैं 42 में, तो ये हो जाता है हमारा 123। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अब क्वेश्चन 2 में देखें, यहां भी हम अंतर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये अंतर है यहां पर 11 का, इसके बाद ये अंतर है 9 का और इसके बाद ये 7 का। तो निश्चित तौर पर आप देखिए 11, 9, 7 दो दो घट रहा है, तो इस बार क्या होगा, ये अंतर 5 का अंतर होगा। तो 18 से अगर हम 5 घटा देते हैं तो ये आ जाता है 13। तो ये ऑप्शन नंबर ये 3 हमारा सही है। अब इस सीरीज को देखिए, 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क, 13 और 17। इस सीरीज को देख के तुरंत ये पता चल जा रहा है कि ये कौन सी संख्याएं हैं। ये लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में इससे पूर्व पार्ट 3 वीडियो में थोड़ा हमने बताया है। तो 2, 3, 5, 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11। तो हमारे ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 1/3, 1/6, 1/12 क्वेश्चन, 1/48, 1/96। तो हम देख रहे हैं अंश में सभी में 1 है, ठीक है, यहां तो कोई परिवर्तन नहीं है।
अब हर को देखते हैं, 3, 6, 12 और यहां 48, 96, तो 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 गुना 2 तो 6 आ जाता है, फिर 6 गुना 2 तो 12 आ जाता है, और यहां भी 48 गुना 2 तो 96 आता है। इसका मतलब है कि ये 2 से गुना होता जा रहा है, तो 12 को फिर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, अर्थात यहां पर क्या होना चाहिए, 1/24, ये ऑप्शन नंबर 2। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखते हैं कुछ अंतर, क्या कुछ अंतर आता है क्या। 1, 9, 17, 33, 49, 73 अंतर देखने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर अंतर है 8 का, यहां भी अंतर है 8 का, यहां आप घटा के देखिए ये अंतर है 16 का, यहां अंतर है ये भी 16 का, और यहां पर यह अंतर है 24 का। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार 8 आया 2 बार 16 आया, तो 24 भी 2 बार आएगा, तो इस बार अंतर 24 होगा, तो इसे हम जोड़ते हैं, तो 4, 3, 7, 7, 2, 9 यानी 97, तो ये ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6, यहां भी अंतर देखने की कोशिश करते हैं पहले, तो ये 7 का अंतर है, ये 14 का अंतर है, यहां 21 और यहां 28। अब देखिए यहां 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, तो इस बार 7 × 6 ये सॉरी यहां से होगा, हाँ 35, तो 75 में 35 जोड़ते हैं 110, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, यहां भी अंतर देखने की कोशिश करते हैं, तो ये अंतर है 14, फिर यहां अंतर है 16 का, यहां अंतर है 18 का, यहां है 20, यानी इतना घटते जा रहा है, यहां पर 18 से 14 घटा देंगे, 64 से 16 घटा दे रहे हैं, यहां 48 से 18 घटा रहे हैं, 30 से 20 घटा रहे हैं, तो इस बार क्या घटाएंगे, 22 घटाएंगे, तो 10 से अगर हम 22 घटाते हैं तो यह आता है हमारा -12, तो यह ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1, यहां देखिए 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, तो अगर हम यहां अंतर देखते हैं तो 0 से 1 के बीच का अंतर 1 है, फिर 1 से 1 के बीच 0 है, फिर 1 से 2 के बीच 1 है, फिर यहां पर 1 है, फिर यहां पर 2 है, फिर यहां पर 3 है ना, तो थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब एक दूसरा रूल खोजने की कोशिश करते हैं, देखिए 0 + 1 0 + 1 1 हो जाता है ना, 0 और 1 को जोड़ते हैं, देखिए ऐसे 0 + 1, तो ये हो जाता है 1। अब ये 1 + 2, ये हाँ 1 + 1 1 + 1, तो ये हो गया 2। अब ये यहां पर इसको लेते हैं 1 + 2 1 + 2, तो ये हो जाता है 3, है ना, फिर 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो 3 + 1 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो ये 34 हो गया।
प्रश्न संख्या 9। तो यहां देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि यह हम 3 से गुना कर रहे हैं, 4 तियाई 12, 12 तियाई 36, 36 तियाई 108। तो यहां भी निश्चित रूप से 108 को हम 3 से गुना करेंगे, तो 108 को अगर 3 से हम गुना करते हैं तो यह हमारा आता है 324, और 324 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो फिर 972 आएगा। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। यह है 6, 13, 28, 59 और क्वेश्चन मार्क। अब यहां अगर हम अंतर करके देखते हैं तो देखते हैं क्या अंतर आता है 6 से 13, तो कितना हो गया 7, और यहां 8 से 3, 5 और 2 से 1, 1 7, 15 9 से 8, 9 से 8, 1 और 5 से 2, 3 9 से 8, 1 5 से 2, 3। तो ये कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, अर्थात ये रूल नहीं चल रहा है यहां पर। तो कुछ और देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पर एक रूल मुझे लग रहा है, आप देखिए इसको 2 से गुना करके और 1 जोड़ दे रहे हैं, 6 दूनी 12 और 1 13। यहां पर 2 से गुना करके और 2 जोड़ रहे हैं, 13 दूनी 26 और 2 28। यहां पर भी 2 से गुना करके और 3 जोड़ रहे हैं, है ना, 28 से 2 को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा और उसमें 3 जोड़े गए तो 59। तो देखिए एक रूल यहां पर हमें मिल रहा है, तो आप खुद अंदाज ला सकते हैं अगला क्या होगा। इसको 2 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यहां हमने 1 जोड़ा, यहां 2 जोड़ा, यहां 3 जोड़ा, तो इस बार 4 जोड़ेंगे। तो 2 से गुना करते हैं इसको, तो ये हो जाता है 2 9 18, 1 2 5 10 और 1 11 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 122। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस पार्ट 4 वीडियो से पहले हमने 3 वीडियो और प्रस्तुत किया है, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में ऑड आउट संबंधी प्रश्न है, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों में न्यूमेरिकल सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस प्लेलिस्ट को आप खोलकर देख सकते हैं, उसमें पिछले जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।